हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे कि हमारे स्किन पे जो एक अलग अलग कलर हो जाते हैं, एक अनइवन कलर हो जाता है स्किन का, उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। बहुत सिंपल से दो फेस मास्क आपको बताऊंगी जिन्हें हम यूज़ करेंगे वीक में 3 बार, तो बहुत आसानी से हम अपनी स्किन के टेक्सचर को, स्किन के कलर को एक सा कर पाएंगे। तो पहला जो हमारा मास्क है, उसके लिए हमें बहुत सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, एग वाइट एंड शुगर। हम क्या करेंगे इस मास्क को बनाने के लिए कि एक एग का वाइट लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून हम शुगर मिलाएंगे। शुगर मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो शुगर वाइट में, एग वाइट में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो एक थिक पेस्ट बन जाएगा उसको हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे एंड नेक एरिया पे भी अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से। एंड उसके बाद हम अपने फिंगर टिप से ही उसका सर्कुलर मसाज करते रहेंगे अराउंड 5 मिनट तक। इस मसाज के बाद हम उस पैक को फेस पे लगा छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए ताकि वो फेस पे अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये पैक ड्राई हो जाए हमारे फेस पे, तो हम इसको पानी से धो देंगे। अच्छे से धोने के बाद हम अपनी स्किन को सुखा लेंगे और जो भी मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन टाइप को सूट करता है उसको हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा हमारी स्किन पे। एग का जो वाइट पार्ट होता है वो प्रोटीन में रिच होता है। जब हम उसमें शुगर को मिलाएंगे, शुगर जिसका कि टेक्सचर अनइवन होता है, ये मिक्स होने के बाद जब हमारी स्किन पे लगता है तो वो क्या करता है कि हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। जब हम सर्कुलर मूवमेंट करा रहे होते हैं तो वो हमारी स्किन को अच्छे से स्क्रब करता है और जहाँ जहाँ भी पोर्स बड़े हो गए थे, जिनमें कि डर्ट ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, जो कि पोर्स क्लॉग हो गए थे, वो सब क्लीन होंगे और जब हम साथ में टाइटन भी होंगे। जब हम इस फेस मास्क को वीक में 3 बार यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारी पूरी स्किन है फेस की, पूरी स्किन का टेक्सचर एक सा हो जाएगा और जो एक पैची हमारी स्किन लगती थी या अनइवन लगती थी, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपना दूसरा फेस मास्क। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी मुल्तानी मिट्टी और साथ में रोज़ वाटर की। मुल्तानी मिट्टी जिसको कि हम फुलर अर्थ भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा फेस मास्क है, ऑल्दो हमें सुनने के बाद ऐसा भी लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है एंड हमें पता था कि हम ये भी एक फेस मास्क है, लेकिन यहाँ इसका सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाता है कि हम इस फेस मास्क को यूज़ कर सकते हैं अपने फेस की अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए कि हम 2 टेबल स्पून, बड़े टेबल स्पून या जो भी हमारा एरिया पे हमें अप्लाई करना है उसके हिसाब से हम मुल्तानी मिट्टी को लेंगे एंड उसमें अराउंड 2 टेबल स्पून ही रोज़ वाटर मिलाएंगे। अब हमें जो इसका पेस्ट बनाना है वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी का बनाना है, मतलब थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। इसको हम मिक्स करेंगे एंड एक स्मूथ एंड इवन पेस्ट इसका बना लेंगे। हमें इस पेस्ट को अपने फेस और नेक एरिया पे अप्लाई करना है इवन, जो इसकी थिकनेस है वो पूरे फेस पे एकदम इवन आए, और इसको हम सूखने देंगे अराउंड 30 मिनट्स, या हम इसको चेक करते रहेंगे कि ये पूरा जब ड्राई हो जाएगा तो वही हम ठंडे पानी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पानी से अपने फेस पे पहले छींटा देंगे ताकि वो पैक मॉइस्ट हो जाए, गीला हो जाए एंड उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट्स कराते हुए हम उसको धो देंगे एंड वही सुखाने के बाद हम उस पर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारी स्किन का मॉइस्चर है वो वहीं की वहीं लॉक हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि जो ये मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी जो कि जिसको कि हम फुलर अर्थ भी कहते हैं, ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करती है क्योंकि एक दरदरा सा टेक्सचर आता है। ऑल्दो ये बहुत स्मूथ होती है, लेकिन फिर भी जब हम इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो जो एक सॉइल का टेक्सचर है वो आता है, और जब हम इसको सर्कुलर मूवमेंट कराते हैं तो ये हमारी स्किन पे जितने भी हमारे पोर्स हैं उनको
क्लीन करके टाइटन करती है, और जो भी पोर्स एक्स्ट्रा ओपन हो गए थे या जहाँ पर भी हमारा अनइवन टोन आ गई थी स्किन की, वो सब धीरे धीरे एक सी होनी शुरू हो जाती है। इसको भी हमें वीक में 3 बार यूज़ करना है। आप इसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है या जो भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एग यूज़ नहीं करते तो वो एग की जगह ये वाला फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो भी पैक यूज़ करना चाहें उसे यूज़ करें, एंड हमें इसको रेगुलर यूज़ करना होगा, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने जानकार लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।